जो आज का टॉपिक है हमारा, दिस इज द डाइमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसके पहले तक हमने पढ़ा दिया, जिसका जो छूट गया है, जैसे एक बच्चे का छूट रहा है तो उसको हम फिर से अलग से पढ़ा देंगे। ठीक है, देखो डाइमेंशनल एनालिसिस बहुत ही इजी है। इसका मतलब यह है कि अगर एक डायमेंशन कोई इधर है तो दूसरा डायमेंशन आपसे इक्वल टू के साइड पूछता है। ठीक है, एग्जाम्पल से करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको जरूरी क्या है, कुछ टेबल्स आनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये कन्वर्जन करने में यही फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, यही फायदे होंगे। तो एक टेबल हमने आपको पिछली क्लास में बताई थी, मैं फिर से आज रिपीट कर देता हूँ। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, एंड 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर। ठीक है, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, एंड 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे हमने ये भी बताया था कि अगर ये एमएम से किलोमीटर में जाना है, ये तो किलोमीटर देखो क्या है, बड़ी यूनिट है। जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे, तो इधर से अगर हम इस साइड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है। जैसे अगर हमने पूछ दिया 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर, तो आप क्या करोगे कि जब हम बिग यूनिट से, बिग यूनिट ये किलोमीटर क्या है आपकी बिग यूनिट है, उसके बाद ये एमएम क्या है स्मॉल यूनिट है। अगर आप बिग यूनिट से स्मॉल की तरफ जा रहे हो तो इस तरीके से मूव करेंगे, और बीच में जितने भी टेंस हैं, जितने भी टेन हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ देखेंगे कितने टेन है, 6 है, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 टोटल हो गया 10 to the power 6, 10 raised to the power 6। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 raised to the power 6 मिलीमीटर। क्लियर। इसका रिवर्स, अगर हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये पूछ रहा है कि 1 मिलीमीटर में हाउ मच हेक्टोमीटर, क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, मिलीमीटर से हेक्टोमीटर तक आ रहे हैं, कितने टेंस है, 1, 2, 3, 4 and 5, यहाँ पे हेक्टोमीटर है। ठीक है, इस साइड का हेक्टो, एक साइड का एक यूनिट लेंगे, दूसरी साइड का दूसरी यूनिट लेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ भी हेक्टोमीटर है तो यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ वाले पे। ठीक है, तो टोटल है 5, तो डिवीजन कर देंगे 1/10 × 1/10 × 1/10 × 1/10 × 1/10, ये हो जाएगा 1/10 to the power 5। इसको हम लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 10 to the power -5। ठीक है, ये ऊपर जाता है तो प्लस में, अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो ऊपर जाएगा माइनस, अगर यहाँ नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कुछ बेसिक है, जैसे 1 inch, 1 inch means 2.54 centimeter। दूसरा एक यूनिट है 1 feet, 1 feet में 12 inch। तो ये थोड़े थोड़े यूनिट आप पिछली क्लास से पढ़े भी हो, ठीक है, इसकी हेल्प से हम कन्वर्जन करने का प्रयास करेंगे। चलो पहला एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन, ए पीस ऑफ मेटल इज 3 inch, रिप्रेजेंट इट हाउ सेंटीमीटर इज लॉन्ग। कर लेंगे, यस सर। देखो बेसिक कन्वर्जन का फॉर्मूला हमने बता दिया था ना दीपजोत कौलजीत। यस सर, यस सर, ये तो बता दिया ना आपको बेसिक फॉर्मूला। यस सर, बता दिया। यस, और अगर आपको बेसिक मिल गया तो आप यहां से ये कन्वर्जन कर सकते हो। आपको अब ये वाले रूल नहीं लगाने, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंस देयरफॉर, जैसे हम कह रहे हैं वैसे लगाना सीखो। सिंस 1 inch इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर,
Hence, 3 inch equals to 1 से कहां पे जा रहा है 3 पे बिग है मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2.54 ठीक है ये आ जाएगा 7.62 सेंटीमीटर क्लियर यस सर नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो बहुत ही इजी है हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन टू डेज ये कर लोगे सर हाँ बोलो सर मेरे पास मैसेज आया था मीटिंग इज अबाउट टू एंड इन इन अ फ्यू मिनट्स तो सर रीजॉइन कर लो ना तुम तो ज्वाइन हो ऑलरेडी तुम्हारी बात तो आ रही है हमसे नो सर एंड होगी तो उसके बाद हाँ एंड होगी तो तुरंत जो है रीजॉइन कर लेना अगर मैं फोन कर दूंगा ठीक है ओके सर ठीक है जैसे ही एंड होगी तो मैं बता दूंगा टेंशन मत ठीक है होनी नहीं चाहिए ओके सर सर मैसेज आया था मीटिंग इज अबाउट टू एंड इन अ फ्यू मिनट्स ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी ठीक है 2 डेज में कितने सेकंड्स होंगे तो देखो जैसा कि हम आपको बता रहे थे सिंस देयरफॉर से करने का प्रयास करो अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हो ये भी कन्वीनियंट वे होता है अगर आपने सीखा हो तो लेकिन जो मैं बता रहा हूं उससे करो तो ज्यादा अच्छा है ठीक है सबसे पहले देखना हमें क्या कि सेकंड्स पूछा है डेज में ये डेज है और इधर पूछा है सेकंड यही ना तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई फॉर्मुलेशन हो तो हम फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं चलो हम एक एक दिन के हिसाब से बनाते हैं वन डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स ठीक है वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं बोलो 60 मिनट सर 60 एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर 60 सेकंड तो अब यहां से हम कहेंगे कि वन डे में सेकंड्स अगर हमें निकालना है तो 60 into 60 into 24 दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सेकंड अब वन डे पे आ गया सिंस लगा लो सिंस वन डे पे आ गया देयरफॉर टू डेज पे ये टू डेज पे आ जाएगा 2 into 60 into 60 into 24 ये आ जाएगा आंसर ठीक है हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे यस सर ये काफी इजी सा क्वेश्चन था हाँ ये बहुत ही इजी था केवल मल्टीप्लिकेशन करना ठीक है नेक्स्ट है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस अब देखो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने केमिस्ट्री स्टार्ट ही की ठीक है हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है तो अगर हम आपसे कहते हैं कि ए बी से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनेगा तो आप कहोगे सी बनेगा हाँ ए बी से रिएक्ट कर रहा है तो सी बनेगा ए बी भी तो बन सकता है और ए बी भी बन सकता है सी भी बन सकता है तो हमारे कहने का मतलब है यहाँ पे ये देखना है कि इसके जो रिएक्शंस के अकॉर्डिंग कुछ लॉज हैं वो कौन कौन से लॉज हैं क्या बनेगा नहीं बनेगा ये सब कुछ थोड़ा सा कवर हो जाएगा इसमें हालांकि बहुत अच्छे से तो हम जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तभी बता सकते हैं ठीक है लेकिन ये रिएक्शंस कुछ नियम को फॉलो करते तो ये नियम्स को देखते हैं व्हाट आर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक केमिकल को दूसरे केमिकल से अगर हम कंबाइन करें तो उसके लिए क्या नियम्स तो जो फर्स्ट लॉ है अब ये बताओ एंटोनी लेवोसियर मैंने आपसे कहा था दीपज्योत मैंने आपसे ये बोला था कि आप बताओ फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है सर एंटोनी तो अब यहां से आपको थोड़ा सा ये भी समझ में आएगा कि भाई दिस मैन इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री ठीक है आखिर ऐसा क्या किया इसने
सर फादर ऑफ साइंस होता है अल्बर्ट आइंस्टाइन. फादर ऑफ साइंस सॉरी सर गैलीलियो. गैलीलियो है. यस सर. फादर ऑफ साइंस गैलीलियो. यस सर नेट पे यही लिखा हुआ था. ये तो रॉन्ग है सर नेट पे तो यही लिखा हुआ था ना. ठीक है जहां से देखा आपने वो रेफरेंस हमें भेजो जहां पे लिखा है गैलीलियो. सर अब चलो क्लास ठीक के बाद है. देखूंगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सर साइंस का भी गैलीलियो लिखा था उधर. फिजिक्स का भी और फिजिक्स का मॉडर्न का अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखा. नहीं गैलीलियो नहीं होगा अरिस्टो होगा जी. सर वो अरिस्टोटल बायो लिखते में हैं अरिस्टो पढ़ते हैं. सर वो बायो में लिखा हुआ था. वो बायो के भी है साइंस के भी है. थोड़ा करने करेक्ट करने का प्रयास करना ठीक है. कहीं और से देखो जो आपने देखा है या आप क्या करो हमें रेफरेंस भेजो जहां पे गैलीलियो लिखा. ओके सर देखो मैं आपको तो सबका लिंक भेज दूंगा. कोई नहीं भेज दे. चलो हम ये फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं. दिस वाज द फर्स्ट लॉ ठीक है. इन 1789 लेवोसियर पुट फॉरवर्ड ए लॉ एंड दैट लॉ इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मास. देखो जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना उन्हीं की वैल्यू होती है. कंजर्व वर्ड लिखा है यहाँ पर. ये कंजर्वेशन कहां से आया है. कंजर्व से. तो कंजर्व से कंजर्व का मतलब हिंदी में हम कहते हैं संरक्षित. संरक्षित का मतलब इसका मतलब ये है कि कोई नुकसान नहीं ठीक है. इसका मतलब यही है कि कोई भी नुकसान नहीं हो रहा. मतलब अगर हम कह रहे हैं कि इधर रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा जितना मास इसका होगा उतना ही मास सबका जोड़ के इसका भी होगा ठीक है. चलो अब देखो ये सिंस साइंटिस्ट थे तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस की. इन्होंने केयरफुल एक्सपेरिमेंट किए जैसा कि कंबस्शन रिएक्शन थी और अदर भी रिएक्शन. उसके बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो केमिकल चेंजेस हैं उस टोटल केमिकल चेंजेस के करस्पॉन्डिंग जो मास है वो कंजर्व रहता है. मास क्या है फिक्स रहता है. मतलब रिएक्टेंट का जो मास होगा वो सेम होगा प्रोडक्ट के मास. अब इसका एग्जाम्पल एक कर लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा. जैसे H2 रिएक्ट विथ O2 इक्वल्स टू H2O. ये अब सिंपल रिएक्शन पढ़ते हो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ठीक है. तो यहाँ पे इसको बैलेंस करके जब लिखते हैं तो ये होता ही. देखो इसका मास होता है 2 ग्राम. ये है 2 × 4 ये होता है 32 ठीक है. तो 32 × 4 ये हो गया कितना 36. यहाँ पे देखते हैं इसका मोलर मास होता है 18. ये सॉरी ये 2 बनता है 2 वाटर में बनता है तो 18 × 2 तो ये हो जाएगा 36. अब ये 18 कैसे आता है इसको भी अलग से कर लेते हैं. जो H2O लिखा है वैसे ही आगे आएगा. अभी मोलर मास हम पढ़ाएंगे. इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है. तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 × 1 हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1. ऑक्सीजन का ये कुछ नहीं है 1 सॉरी 1 है 1 1 लिखा 1 ऑक्सीजन है तो 1 × 16 तो 2 + 16 = 18 यहां से ही आता है ठीक है. वैसे नेक्स्ट आएगा ही सब कुछ आएगा. क्लियर है. यस सर. चल आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ. नाउ द सेकेंड केमिस्ट नोन एज जोसेफ प्रोस्ट. इन्होंने क्या दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अब देखो ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या है. प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है रेशियो ना. तो सपोज करो कि आपके फादर हैं और अपनी जो उनकी जो प्रॉपर्टी है अगर उन्हें डिवाइड करना पड़ा सन्स में तो वो क्या करते हैं कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या रीजन है. रीजन ये है कि भाई सारे हमारे बच्चे और सारे बच्चे हमारे एक जैसे हमारे लिए ठीक है. तो उन्होंने ये अपना खुद का रूल बनाया ये ना. नेक्स्ट है जोसेफ प्रोस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि जो कोई भी एलिमेंट है अगर वो कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है
ठीक है, कोई भी कंपाउंड फार्म करा तो ऑलवेज डिफिनिट प्रोपोर्शन में फार्म करे बाई वेट, ठीक है, जो भी एलिमेंट। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वाटर तभी बनेगा जब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का होगा। ये रेशियो क्या है? एलिमेंट का रेशियो। ये किन का रेशियो है? एलिमेंट का रेशियो। अगर हम वेट का रेशियो ले तो यहाँ पे आप कहते हो 2 हाइड्रोजन 2:1 और यहाँ पे कहते हो 1 ऑक्सीजन 16, तो मतलब 2:16 मीन्स 1:8 का रेशियो होना चाहिए। अगर 1:8 का रेशियो है तभी वाटर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्लियर है? यस सर। अगर हम इसको किसी और रेशियो में मिक्स कर देंगे तो वाटर नहीं फॉर्म होगा, कुछ दूसरा बन सकता है। यस सर। इसका इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया कि जो भी आप ले रहे हो वो या तो नेचुरल सैंपल से ले लो या सिंथेटिक खुद बना के देख लो। अगर आप वाटर बना रहे हो तो वाटर में यही कंपोजिशन रखना पड़ेगा, चाहे आप नेचर से वाटर ले लो, बारिश का पानी ले लो या फिर बर्फ से जो नेचुरल वाटर बना है, या फिर आप क्या करो कि हाइड्रोजन को रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन से और यहां से वाटर बनाओ लैब में। दोनों केस में अगर आप वाटर बना रहे हो तो इनका जो रेशियो होगा फिक्स होगा। क्लियर है? यस सर। चलो नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब देखो प्रोपोर्शन का मतलब तो अगेन यहां से क्या आएगा? रेशियो। मल्टीपल का मतलब मोर देन वन, यही ना? बोलो, मोर देन वन ना? यस सर। हाँ, अब यहां से हम बात करते हैं कि अगर मान लो दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, जो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, ये हाइड्रोजन का लिया गया है, ऑक्सीजन। ये कह रहा है कि अगर ये कोई कंपाउंड बना रहा है, ये है कंपाउंड नंबर वन, कंपाउंड वन, और अगेन ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दूसरा कंपाउंड बना रहा है, कंपाउंड नंबर टू यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इनका रेशियो होगा, ठीक है, इनका जो रेशियो होगा, एक बार अगर हम ऑक्सीजन को ले ले तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा इससे कंबाइन करने का, ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा इससे कंबाइन करने का, ठीक है, या ऑक्सीजन का खुद का इससे रेशियो जो होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, इन दोनों को देखें, इन दोनों को, तो ये फिक्स रेशियो होगा, फिक्स्ड सिंपल रेशियो होगा। सिंपल रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर हम कहते हैं 1:2 ये सिंपल है, हम कहते हैं 2:3 हम कहते हैं 1:3 ये सब सिंपल है, लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि 4:5:5.5 तो ये क्या है? ये मिक्स्ड रेशियो, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाटर। पहला हम वाटर बना रहे हैं जिसमें हम आपको पहले ही बता दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें ये 2 ग्राम यूज होता है, इसमें 16 ग्राम अभी किए थे। दूसरा हम ले रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो चलो हम उसका फार्मूला लिख देते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं H2 और O2, ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं H2O2, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखो 2:1, इसका मोलर मास 1 होता है, इसका होता है 16, 2:16, तो यहां से कितना यूज हो रहा है? 32 ग्राम, क्लियर? अब ये कितना यूज हो रहा है? 2 ग्राम। वाटर में भी ये 2 ग्राम था, यहाँ पे दिया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में भी ये 2 ग्राम है, तो वाटर के केस में ये कितना था? 16। हाइड्रोजन परऑक्साइड के केस में कितना है? 32, 32। तो ये कह रहा है कि अगर हम इसका रेशियो निकाले, 16 और 32 का रेशियो निकाले, तो ये रेशियो सिंपल आएगा, ठीक है, सिंपल रेशियो होना चाहिए, 1:2 का रेशियो। क्लियर है? यस सर। अब देखो हमने यही बताया ना, रेशियो सेम होगा और एक का सिंपल रेशियो होगा। क्या बोला? क्या फिर से बोलो सर? एक का सेम होगा और एक का सिंपल रेशियो में होगा।
एक के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं बच्चे, ठीक है, इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस ऑक्सीजन का केवल चेक कर रहे हैं, ठीक है सर, ये सर वही बोलना चाह रहा, हाइड्रोजन एक बार ऑक्सीजन से, सॉरी ये ऑक्सीजन एक बार हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, दूसरा है ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन से कर रहा है, इस केस में हाइड्रोजन को फिक्स कर दिए, ये इतना ही है, तब ये कितना होगा? यस सर वही कह रहा हूँ, एक फिक्स्ड रहेगा और एक रेशो में रहेगा। हाँ ठीक है, सिंपल रेशो। चलो नेक्स्ट है गेलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय गेलुसेक ठीक है, this law was given by Gay-Lussac in 1808. He observed when the gases combine. अब ये बात कर रहे हैं कि अभी तक तो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ग्राम ग्राम ले रहे थे, अगर केवल केवल गैसेस का कॉम्बिनेशन हो तब क्या होगा, what will happen when the gases combine to each other? ठीक है, गैस अगर कंबाइन करते हैं तब क्या होगा? देखो अगेन हम वाटर का केस ले लेते हैं, पहले एग्जांपल समझ लो फिर हम इनका वो समझ लेंगे क्या बोलते हैं जो इनका कहना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाँ सर मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम सेम रेशियो में रहेगा ना, सर वॉल्यूम सेम रेशियो में रहेगा ना, सेम नहीं सिंपल रेशियो, दिस इज गिवन है, सॉरी सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो बोलना था। हाँ, और हमने आपको अभी समझाया कि सिंपल रेशियो क्या है, मिक्स रेशियो क्या है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम गैसेस रिएक्शन की बात करें जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, H2 गैस और O2 गैस कंबाइन हो रही है, अगर ये कंबाइन हो रही है तो ये गैसेस का जो वॉल्यूम ले ले हम, किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम भी जो होंगे ना ये फिक्स रेशियो होंगे। अगर आप आगे पढ़ोगे तो आप कहोगे कि सर ये कोई लॉ नहीं था, लेकिन लॉ इसलिए था क्योंकि 1808 में हमें कुछ पता ही नहीं था, आगे हम बताएंगे कि ये कुछ लॉ नहीं है, ठीक है, स्टोइकोमेट्री जब आप पढ़ोगे, लेकिन 1808 में यही बात इन्होंने बताई है, बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, क्योंकि उस समय किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था, क्लियर। तो देखो इनका स्टेटमेंट क्या था आप देख लेते हैं, स्टेटमेंट ये था कि जब दो गैसेस को रिएक्ट कराया जाए, ठीक है, जो रिएक्शन होगा प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, इफ टू गैसेस रिएक्ट इन ए रिएक्शन देन दे रिएक्ट विद ए सिंपल वॉल्यूम, ठीक है, तो इसका अगर 50 ml है तो इसका 100 ml, मतलब ये इसका जस्ट डबल है, तो रेशियो निकालेंगे 100:50 तो आ जाएगा 2:1 का रेशियो, क्लियर? यस सर। हाँ अब देखो जो मैं कह रहा था ना वो चीज यहाँ पे लिखा भी गया, लिखा क्या है यहाँ से देख लेते, देख ये लिखा गया, बेसिकली द गेलुसेक डिस्कवरी ऑफ इंटीजर रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एक्चुअली द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। जैसे अभी हमने ला कहा कि डेफिनेट प्रोपोर्शन की हमने बात की थी, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन ही है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम, अभी हमने इसके इसके पहले किस रिस्पेक्ट में बात की थी, मास के रिस्पेक्ट में, क्लियर है? Yes, sir. Then what is basic difference? ये लाउसी की कॉपी हो गया ना? Yes, sir. Copy paste. बात ये थी कि किसी को कुछ पता नहीं था, कोई लॉस नहीं थे, तो जो पहली बार बोलता है उसका नाम हो जाता है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो एंड लास्ट लॉ इज अवगैद्रो लॉ, ठीक है, अवगैद्रो ने क्या कहा था ये देखते हैं। अवगैद्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन्होंने कहा कि अगर गैसेस को टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दें तो
इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा उनके अंदर। जैसे अभी हम कह रहे थे कि एच टू और ओ टू रिएक्ट कर रहा है, ये होगा 100 ml और ये होगा 50 ml। अब इन्होंने कहा कि इसी जो कंडीशन है, ये जो रिएक्शन हो रही है, इसमें टेम्परेचर हम फिक्स कर दें। इस फिक्स को हम लिखते हैं बेसिकली केमिस्ट्री में कॉन्स्टेंट, इसे कॉन्स्टेंट कर दें और प्रेशर को भी कॉन्स्टेंट कर दें। ठीक है, अगर ये दो चीज कॉन्स्टेंट कर देते हैं तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ना, जितने मॉलिक्यूल इसमें होंगे उतने ही मॉलिक्यूल इसमें भी होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी सेम। बोथ के केस में जो मॉलिक्यूल होंगे सेम, और जब सेम मॉलिक्यूल होंगे तो सेम सेम रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब यहां से लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ, जब अवोगाड्रो ने ये कहा तब उनको समझ में आया कि जो एटम है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एटम रीअरेंज होते हैं। रिएक्ट कौन करता है? मॉलिक्यूल, लेकिन एटम रीअरेंज होकर नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां से उनको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन पता चला कि भाई एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, एक चीज यहां पे देखते हैं, फिगर 1.9 पेज 16। ठीक है, अभी आएंगे। कह रहा ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सारे बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, लेकिन इन फैक्ट अवोगाड्रो कुड नॉट एक्सप्लेन द एबव रिजल्ट बाय कंसीडरिंग द मॉलिक्यूल टू बी पॉलीएटॉमिक। अभी ये कह रहा है कि सारे बॉक्सेस में, चलो बॉक्सेस भी देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से समझ। देखो, अवोगाड्रो ने ये कहा कि यहाँ पे वन वॉल्यूम हाइड्रोजन है, यहाँ पे वन वॉल्यूम ऑक्सीजन है। ठीक, यहाँ पे वन, सॉरी, ये दो वॉल्यूम होना चाहिए था, ये 100 ml था और ये 50 ml था। तो इसको इसमें क्या किया है, इस 100 को 50-50 करके अलग लिख दिया। देखो, अब ये भी 50 ml, ये भी 50 ml। अब अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, प्रेशर कांस्टेंट कर दें, तो अवोगाड्रो के अकॉर्डिंग इसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे, जितने मॉलिक्यूल इसमें होंगे उतने ही मॉलिक्यूल इसमें भी होने चाहिए, होने चाहिए। बोलो। यस सर, ये होने चाहिए, लेकिन यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अवोगाड्रो से। एक्चुअली क्या था कि इस बेसिस पे ये वाला जो बॉक्स है इसमें भी सेम मॉलिक्यूल होने चाहिए थे, होने क्या चाहिए थे, सेम मॉलिक्यूल, जितना इस बॉक्स में है, जितना इस बॉक्स में मॉलिक्यूल है उतने ही होने चाहिए थे यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इनका रेशियो था ये था 2:1:1 का, इस रेशियो को नहीं इन्होंने यूज किया। ठीक है, तो ये पॉलीएटॉमिक के लिए, ये पॉलीएटॉमिक के लिए, ये पॉलीएटॉमिक का मतलब इसमें मोर देन टू एटम है। ठीक है, 1, 2, 3 पॉलीएटॉमिक के लिए ये ला वायोलेट कर रहा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? सर एक बार। यस सर, सॉरी एक बार।